Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी ने आज एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में एमपीएम मिलकर लड़े। इसरो ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट SSLV-D3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सहित बीजेपी के कई नेताओं सदैव अटल पर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को ताइवान के पूर्वी शहर हुलियन से 34 किलोमीटर यानी 21 मील दूर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर से रेप वाली घटना को बीजेपी देशभर में मामले को लेकर एक्टिव हो गई है। बीजेपी आज देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से लौटे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज राजधानी में पदयात्रा करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आज रांची में सभी मंडल अध्यक्षों की बड़ी बैठक करेगी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। आज द्रमुक की बैठक भी होगी, इसमें उदयनिधि स्टालिंग को उप मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा हो सकती है। चुनाव आयोग आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसको लेकर दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तारीखों की घोषणा की जाएगी। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक शिक्षक ने लेक्चर खत्म होने के बाद छात्रों को बुलाया और उससे छेड़छाड़ की। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता नवाब मलिक ने एक्स पोस्ट पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना वाली पोस्ट पर साफ कर दिया है कि वह आगे की राजनीति शरद पवार के साथ करेंगे या अजीत पवार के साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम सरकार बनाएंगे। प्रदेश की बहनों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि केंद्र की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, 5 साल तक सरकार चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के पहले सीएम यशवंतराव चव्हाण और उनके बाद के मुख्यमंत्रियों के कारण राज्य समृद्ध हुआ है, लेकिन बीजेपी ने राज्य को गुजरात के हाथों गिरवी रख दिया है। बारामती निर्वाचन क्षेत्र से अपने बेटे जय पवार की उम्मीदवारी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि यह लोकतंत्र है, मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। घरेलू बैंक शेयरों में बंपर तेजी है और बैंक निफ्टी 400 अंकों की उछाल शुरुआती ट्रेड में दिखा रहा है और आईटी इंडेक्स आज का हीरो है जो सबसे ज्यादा चमक रहा है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद मैंने ये देखा है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मुझसे मिलने के लिए समय मांगने वाले अधिकांश लोग निवेशक है। कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर और जितेश अंतापुरकर ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। सीएम शिंदे से मुलाकात के बाद विधानसभा चुनाव से पहले उनके पाला बदलने की अटकलें तेजी हो गई है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 जल्द ही शुरू होने वाला है। हाल ही में कपिल शर्मा ने शो के दूसरे सीजन की नई थीम को लेकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और भोजपुरी की फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है। 15 अगस्त पर 9 फिल्मों के हुए महाक्लेश में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 का पल्ला सबसे ज्यादा भारी रहा। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।